काजी साहब अपनी किताब में एक जगह फरमाते हैं, लोगों देखो तो सही, आपके बाप का नाम अब्दुल्ला, आपकी मां का नाम आमिना, आपकी दाइया का नाम हलीमा, जरा गौर तो करो, जिसने अबूदीयत के खून से वजूद पाया हो, जिसने अमन की गोद हासिल की हो, जिसने हिलम और बुर्दबारी का दूध पिया हो, वो मोहम्मद नहीं होगा तो और क्या होगा। बारे खुदाया ये किसका नाम मेरी जुबां पे आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी जुबां के लिए, ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत, ऐसे ऊंचे मुकाम वाला, ऐसी ऊंची शान वाला कि हसान ही के अल्फाज में कहूं तो बेजाना होगा कि वह अहसन मिन कलम तरकत तो आइन वह अजमल मिन कलम तल दिन निसाहु खुलिकता मुबर्रा अन मिन कुल आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमात शाहु। कहा का आप ऐसे खूबरू, खूबसूरत, खुश जमात, खुश खसाल, हुसन तमसाल, शम्स मसाल ऐसे, साहबे जमाल ऐसे, साहबे कमाल ऐसे के कमालात के कमाल को पहुंचे हुए और हुस्ने सिफात के इत्तेमाम को पहुंचे हुए कि आपसे बढ़कर हसीन और जमील, वजीह और शकील कायनात की किसी आंख ने देखा ही नहीं और आपसे बढ़कर सोना मनमोना सुंदर स्वरूप चंदा का रूप कायनात की कोई आंख किस तरह देखती कि आपसे बढ़कर हुस्न व जमाल का पैकर, रानाइयों का मजमा, ज़ियापाशियों का राकिब कायनात की किसी माँ ने जना ही नहीं। आप अयूब से मुबर्रा, नकायस से मुसफ़ा, खामियों से पाक, कजियों से साफ इस तरह पैदा हुए हैं कि ऐसे दिखाई देता है जैसे खालिक ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। जब आपसे बढ़कर कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ तो कौन है कायनात में जो आपकी तारीफ का हक अदा कर पाए। ये तारे जो है आसमां पे धमक रहे और फूल जितने हैं बागों में महक रहे, ये जमीन पे पड़े बिखरे सारे जर्रे, ये दरियाओं के पानियों के सारे कतरे, ये हजर ये शजर इनके पत्ते और डाल, इंसानी वजूद पर है जितने बाल, उन सब को शुमार करना क्यास के करी है, लेकिन मदीने वाले की अजमत बयान हुई है मुमकिन नहीं। फरफाना का जिक्र, कौन है कायनात में जो उसके जिक्र की बुलंदियों का तसव्वुर भी कर सके, कौन है जो उसके रिफत जिक्र को हाथा एक ख्याल में ला पाए, किस में ऐसा यार आए तकरीर, किसके पास है ऐसी कुव्वते लिसानी, किसके पास है ऐसी ताकते बयानी, कौन है इतनी इल्मी इस्तेदाद और इस्तेदाद का मालिक कि उस बुलंदी को छूने का तसव्वुर कर सके जो बुलंदी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे के नसीब में रख दी। कोई नहीं। कौन है इस कायनात में जो समीप पे खड़े होकर आसमान की तरह उंगली उठाए और अल्लाह उसकी उठी हुई उंगली की लाज रख के आसमान के चांद को दो टुकड़े कर दे। कौन है इस कायनात में जो खारी कुएं में थूके तो अल्लाह उसके थूक की बरकत से खारी कुएं को मीठा कर दे। कौन है इस कायनात में जो अपना लुआब दहन नबीना की आंख में लगाए तो अल्लाह उस लुआब की बरकत से नबीना को बीना कर दे। कौन है इस कायनात में जो अपना थूक किसी पकवान में डाल दे तो अल्लाह उस थूक की बरकत से खाने में इतनी कमी, इतना इजाफा कर दे, इतनी बरकत डाल दे कि लोग खाते चले जाए खाने में कमी बाकी ना। कौन है इस कायनात में जो मुट्ठी भर रेत फेंक के दुश्मन की तरफ तो अल्लाह उस मुट्ठी रेत को तेज आंधी की शक्ल में बदल दे। कौन है इस कायनात में कि अगर आसमां की तरफ चेहरा उठा ले तो अल्लाह उसके उठे हुए चेहरे की लाज रख के किबले को तब्दील कर दे। कौन है इस कायनात में कि जो जहां खड़े होकर नमाज अदा कर ले अल्लाह उस जगह को रोजत में रियाजिल जन्ना, जन्नत के बागीचों में से एक बगीचा बना दे। बहमी नफरत की ना था वतीरा जिनका सबक उनको उनसे उल्फत का पढ़ाया किसने, जो शराब और नशे के थे अजल से मुश्ताक में वहदत का उन्हें जाम पलाया किसने, दुख तरे हार से गमगी को रहाई बख्शी, कैद पुर गम से गुलामों को छुड़ाया किसने,
रेत के जर्रों को बारूद की ताकत बख्शी, खाके नाचीज को इकसीर बनाया किसने, किसने जर्रों को उठाया और सहारा कर दिया, किसने कतरों को मनाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और गुलामों को समाने भर कमौला कर, हुस्ने कायनात था पोशीदा सात पर्दों में, किसने उसको आलम आशकारा कर दिया, जीते हैं जब मरते हैं उसके नाम पर, अल्लाह अल्लाह किसने किसने मौत को मसीहा कर दिया, शौक मगरूर का किस शख्स ने तोड़ा तिलसम और मुनहदम किसने इलाहे कैसर किसरा कर दिया। वो है माल के मदहत, वो है माल के मदहत जनाब मोहम्मद आली जिनकी नात ने तारीफों को कनारा कर दिया। उससे बढ़कर कौन है, जब कोई नहीं है तो कौन है जो उनके जिक्र की बुलंदियों की कैफियत का अंदाजा कर पाए, और कौन है कि उनकी तारीफ उनकी शान उनकी शायान शान बयान करने की सकत रखता, कोई नहीं, कोई नहीं है। वो तो वो है कि जिब्रील ने कहा और जिब्रील से बढ़कर कौन गवाही दे सकता है, वो जिब्रील जिसकी ये ड्यूटी थी हर दौर के हर अहद के हर इलाके के नबी और रसूल पर वही लेकर जाना, उससे बढ़कर इंसान का मुशाहदा किसने किया होगा। जिब्रील ने कहा कल्लब तो मशारिक अल अर्ज व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिब्रील के कहे का तर्जुमा एक फारसी शायर ने यूं किया, कहा हा कहा गर्दीदा अम बस यार खूब अदीदा अम मेरे बुता लर्जीदा अम, आफा कहा गर्दीदा अम बस यार खूबा दीदा हम मेरे ताबा लर्जीदा हम, लेकिन तू चीजें दिगरी कहा कल्लब तो मशारिक अल अर्ज व मगारिबा, मैं मशरक से लेकर मगरब तलक गया, मैंने शिमाल से जनूब तक प्रवास की, हर दौर के सोने भी देखे मनमोने भी देखे सुंदर स्वरूप भी देखे चंदा के रूप भी देखे रंग बरंग देखे दंग कर देने वाले दबंग देखे, लेकिन ए मदीना के ताजदार तुझसे बढ़कर निगाहों में कोई आया है, और उससे बढ़कर निगाहों में कोई किस तरह आता कि उससे बढ़कर तो कायनात में कोई है ही। हजरात क्या कहने, वक्त को समेटते हुए अल्फाज खत्म हो जाएं, ज़बाने गुंग हो जाएं, अकले खत्म हो जाए घिस जाएं, उसकी शान की हद इदराकियत को कोई नहीं पहुंच सकता। मैं वक्त के इक्तिसार को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं, लोगों लोग अपने प्यारों के शहर का तज़किरा किया करते हैं, कोई किसी अंदाज में कोई किसी अंदाज में, एक अरबी ने कहा क्या कहा, सलामुन अला नजद व मन हल्ला बिन नजद, नजद वालों पे सलामती नजद के रहने वालों पे सलामती, और उसी इमराउल कैस ने कहा कहा अमरु अल दियार दियार लैला व अकबलु सल जिदारा व सल जिदारा मा हुब्बु दियार शगफ न कल्बी वलकिन हुब्बु मन सकन दियारा, कहा जब उसके शहर से गुजरा कभी उस दीवार की तरह लपकता था कभी उस दीवार की तरह लपकता था, इसलिए नहीं कि मेरे दिल में पत्थरों की मोहब्बत थी, इसलिए कि उस शहर के रहने वालों की मोहब्बत। और किसी ने कहा अया साकिनी अकनाफ तैबा कुल्लुकुम इलल कल्ब मिन अजलिल हबीब हबीबू, ए तैबा के रहने वालों ए मदीना है तैबा के रहने वालों तुम सारे मेरे महबूब हो, इसलिए कि मेरे महबूब के शहर के रहने वाले हो। और यही था वो शहर और यही है वो शहर जिससे अहले हदीस को मोहब्बत है, और यही था वो शहर जिससे अहले हदीस के बड़ों को मोहब्बत थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह मालिक बिन अंस, वो मालिक जो मसनद रसूल पर बैठकर दरसे हदीस देने वाले अहले हदीस के अजीम इमाम, उनके बारे में है रवायात में कि जब निकलते मदीना की गलियों में तो जूते नहीं पहना करते थे, कि हो सकता है आज भी कोई जगह ऐसी हो जहां अल्लाह के रसूल ने कदम रखा हो और बाद में किसी और के कदम ना पड़े हो, हो सकता है मालिक का कदम आपके नक्शे कदम पे पड़ जाए, अल्लाह इसी बहाने बख्शिश का बाज़। और यही है वो मदीना है तैबा जिसके बारे में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अकीदत से भरी दुआ किया करते थे,
اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتا في بلد رسولك. اللہ شہادت کی موت نصیب ہو تیرے راستے میں, شہادت کی موت, اور جب جان نکلے تو تیرے سونے کے شہر میں نکلے. اور حضرات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ ہستی جن کی وجہ سے اللہ نے شہروں میں سے شہر کو عزت عطا کی, کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وبلد وہذا البلد الامین. کہا تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, امن والے شہر مکہ کی قسم, اور اللہ ساری کائنات کے شہروں کو چھوڑ کر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ سارے کائنات کے شہروں میں سے مکہ کو معزز و محترم کیوں ٹھہرایا؟ کہا لا اقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد. مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ مکہ وہ شہر ہے پیارے جہاں تو ہل ہے, جہاں تو چلتا ہے, پھرتا ہے, اڑتا ہے, بیٹھتا ہے, جہاں کے گلی و بازار میں تیری توحید کی آوازیں گونجے, جہاں کے راہ